एक्स एन एंड वाई एन ये दो रियल सीक्वेंस है, ठीक है। एंड एक्स एन इक्वल्स टू माइनस वन होल टू द पावर एन इंटू साइन एन एंड वाई एन इक्वल्स टू माइनस वन होल टू द पावर एन इंटू एन हमें दिया गया है। तो हमें देखना है कि एक्स एन का कोई भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगा या नहीं, एंड वाई एन का भी देखना है कोई भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगा या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एक्स एन एंड वाई एन दोनों का ही कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है एक्स एन एंड वाई एन किसी का भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है एक्स एन का नहीं होगा लेकिन वाई एन का मिल जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एक्स एन का सबसिक्वेंस मिलेगा लेकिन वाई एन का नहीं मिलेगा। अच्छा, तो पहले हम एक्स एन को देखते हैं। देखो ये एक्स एन इक्वल्स दिया गया है माइनस वन होल टू द पावर एन इंटू साइन एन। अच्छा, तो एक्स एन इक्वल्स टू माइनस वन होल टू द पावर एन, जब एन इवन होगा तब ये क्या हो जाएगा माइनस वन टू द पावर इवन मीन्स ये वन हो जाएगा, तो साइन एन होगा व्हेन एन इज इवन। ओके, एंड जब एन जब ऑड होगा तब ये क्या होगा माइनस वन टू द पावर ऑड मीन्स ये माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस साइन एन व्हेन एन इज ऑड। ओके, अच्छा अब देखो ये क्या एक्स एन का क्या कोई भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस हमें मिलेगा। पहले तो बात करते हैं ये जो एक्स एन है ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। एंड ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। कैसे बाउंडेड है, क्योंकि एक्स साइन एन का जो लिमिट है ये तो माइनस वन एंड वन के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। एक्स एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका मतलब एक्स एन का हमें कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस मिलेगा। देखो अगर हम ये लेते हैं एक्स टू एम पाई, एक्स टू एम पाई इक्वल्स टू क्या होगा माइनस वन होल टू द पावर टू एम पाई इंटू साइन टू एम पाई। तो माइनस वन के पावर टू, यहाँ पे टू है तो इवन है, तो इसका मतलब ये वन हो जाएगा इंटू साइन टू एम पाई। साइन एन पाई का वैल्यू क्या है, जब एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर तो साइन एन पाई इक्वल्स टू जीरो होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो। तो वन इंटू जीरो मीन्स जीरो, तो इसका मतलब एक्स एन एक कॉन्स्टेंट सिक्वेंस है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। एंड ये क्या है एक्स एन का सबसिक्वेंस है, एक्स एन का सबसिक्वेंस है एंड ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब एक्स एन का हमें कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में बोला गया था एक्स एन एंड वाई एन दोनों में से किसी का भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट। सी में बोला गया था एक्स एन का कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट। अब देखना है वाई एन का कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगा या नहीं। अगर वाई एन का कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस मिल जाता है तब तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, एंड अगर वाई एन का हमें कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस नहीं मिलता तो डी करेक्ट। अच्छा, तो देखते हैं। देखो वाई एन इक्वल्स टू दिया गया है माइनस वन टू द पावर एन। अच्छा, अगर एन इवन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन टू द पावर इवन मीन्स ये वन हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा एन व्हेन एन इज इवन। एंड जब एन ऑड होगा तो ये क्या होगा माइनस एन व्हेन एन इज ऑड, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या, ये कहाँ पे टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, एंड ये माइनस इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। इसका मतलब वाई एन जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका मतलब वाई एन का हमें कोई भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।